वहाँ क्या देख रही हूँ, अच्छा है वो, अच्छा है। तो ये धरा है। माई आज हमें पूरे दिन कथियों का ही काम करना है बस, और कोई उपाय नहीं है। कल शाम 5 कथियां लेने मीता दीदी आने वाली है। दिन रात बैठने से हम पूरी कर पाएंगे। क्यों डरती हो, इन हाथों ने इतना काम उठाया है कि 2 कथियां सीने से हम थोड़ी डरती हैं। पर ये बता तेरा हिसाब पूरा हुआ या नहीं? वो जैतून कब आने वाली है नानी बहू? वो लो आ गई, लंबी उम्र है तुम्हारी। नहीं दीदी, सास की गाली खा खा कर जी रही हूँ, लंबी उम्र की उम्मीद मत करो मुझसे। हमारे वो शहर जाके नया परिवार बसाए हैं और मुझे यहाँ रखा है इनका पैर दबाने के लिए। उस दिन मैंने भी तेरे सास को समझाने की पूरी कोशिश की। हाँ मुझे भी मिली थी नल के पास, मैंने भी बहुत समझाया उसे। अब तेरे बेटे ने शहर जाके दूसरे बीबी के साथ घर बसाया है, ये बेचारी अच्छी दिल वाली इसलिए दोनों की सेवा कर रही है, ये तो खिलाएगा कौन इन्हें बुढ़ापे में। तो मुझे बोली कि मैंने कब इसे मना किया है कथरे अड्डे पे जाने से। हाँ मना क्यों करती, उसका बेटा साल में एक बार मनी ऑर्डर भेजता है, वो सारा खर्चा बाकी दवाई पर निकल जाता है। ये मेरी कथरी मुर्गी बकरी इसकी वजह से तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। जाने दे जैतून, वो भी तो तंग आ चुके हैं हालात से, बहू की कमाई का खाना उनके लिए भी कितनी दुख की बात होगी। अरे तो खिलाती तो हूँ ना, तो चुपचाप क्यों नहीं खा लेती। मैंने तो अपने अब्बा का दिया हुआ वचन निभा रही हूँ, उन्होंने कहा था बेटी निकाह को ऐसी गांठ मत समझना जिसे खोल कर किसी भी समय वापस चलिया। लो जैतून पानी पी लो। खुद को दुखी मत मान जैतून, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। पर एक बात बता, इस कथरी अड्डे को छोड़कर कहीं जाने को तेरा मन करता है? ये बता तू मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलवा भेजा था? जैतून वो तुझे सासुर से कपड़ा लाने के लिए जो पैसे दिए थे ना उसकी रसीद चाहिए थी, हिसाब रखने। नहीं नानी बहू वो रसीद तो दिया नहीं, वो दर्जी कह रहा था कि ये जो छोटे मोटे कपड़ों की बोरी जो वो हमें बेचते हैं उसकी रसीद नहीं मिलती। ठीक है उसकी रसीद हम बनाएंगे। अच्छा तो मैंने तुझे 225 रुपए दिए थे और तू 75 रुपए की बोरी ले आई। हाँ हाँ, और ये 60 रुपए का धागा, ये 15 रुपए की सुई और ये 45 रुपए का धोने का साबुन। हाँ तो कुल मिला के हुए 60 15 कितना हुआ? 75 और 15 हो गए 90 और मिलाओ 60 तो हो गए 250। अरे 250 कैसे, तुमने तो मुझे 225 दिए थे। एक काम करते हैं फिर से गिन लेते हैं ये। और वो अस्तर के कपड़े का क्या हुआ? हाँ हाँ वो भी लेकर आई हूँ। कहाँ है वो? देखो नानी बहू गुस्सा मत करना, अब आने में देर हुई तो मेरी सासू जी मुझ पर बहुत गर्म हुई, मुझे एक एक गाली देकर एक एक मुर्गी घर के बाहर फेंकने लगी। एक मुर्गी तो चाय पर गिर गई और चाय और सारी चाय उन अस्तर वाले कपड़े पर गिर गई। बस मैं वहां से भाग निकली, अभी तक बुरका भी नहीं उतारा, अब घर जाकर उन कपड़ों को धोना पड़ेगा। पर कपड़ा तो कितने गज ले आई? यही 4 या 8 गज। 4 या 8 गज क्या मतलब है तुम्हारा? 8 गज 4 गज से दुगना होता है। ठीक है वो रसीद में लिखा होगा। रसीद नहीं है। उसकी रसीद नहीं ली तूने? क्यों मैंने तुझे बताया था ना मैंने रसीद ली थी। फिर क्या हुआ? वो मैं दुकान के पास खड़ी थी ना तो एक मौलवी साहब आ रहे थे, उनके साथ 2 औरतें थी, उन्होंने बुर्का पहन रखा था। मुझे तो बड़ी शर्म लगी, मैंने झटपट अपना बुर्का पहना और वहां से भाग पड़ी। शायद इसी भागदौड़ में रसीद गिर गई होगी। लक्ष्मी दीदी लो संभालो ये तुम्हारा काम, मैं सहकारी मंडल का हिसाब नहीं लिख सकती, इनके जैसे मेंबर अगर साथ हो ना तो दिवाला निकालने में कौन सी देरी। ठीक है जैतून अब तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? वहां से आगे चलकर मैंने मुर्गियों का दाना लिया, कुल 25 या 30 होंगे, फिर चूहे की दवा
फिर नारियल की रस्सी, फिर पाव भर चिवड़ा, वो छह केले। अब ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं तुम्हें सहकारी मंडली का हिसाब पूछ रही हूँ। अरे मैं अपना हिसाब निकाले बगैर तुम्हारे मंडली का हिसाब कैसे बता दूँ? तुम्हारे पास रसीद नहीं है, तुम्हें चीजों का भाव याद नहीं, तो हिसाब साफ कैसे रखा जा सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम सोचती हो कि मंडली के पैसे मैं अपनी चीजों के लिए खर्च करती हूँ? मुझे नहीं चाहिए हिसाब का काम। तो क्या मैं चोर हूँ, हीरा फेरी करने वाली हूँ? मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता? क्यों बुआ जी, क्यों गंगा माई, क्या मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता? अगर मैंने मंडली का एक भी पैसा खाया तो अल्लाह मियां मुझे कड़ी सजा दे। ये क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? बुआ जी, मैंने कहा कि ये धोखा दे रही है। तुम भी। अरे जैतून, अब चुप भी करो। दे दो मुझे ताने, मैं आप लोगों की सारी जिंदा हूँ ना, दे दो ताने। देख जैतून, अभी तू चुप रहना नानी बहू, तू सुन जैतून। वो आदमी लोग यही तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इन औरतों से क्या डरना, ऐसे कह रहे थे। हाँ, दो चार दिनों में एक दूसरे के साथ झगड़ा मोल लेगी और मुंह फेर के अच्छा भला काम ठप कर देगी। हाँ, बात का पतंगड़ बनाना कोई औरत से ही सीखे। हाँ, और दोस्ती निभानी मर्दों से, ऐसा कहते थे। ऐसा मेरा भाई कहता था। हाँ, समझी। ना 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 बुआ जी, अगर इनकी जगह पर मर्द होते ना तो अब तक हाथापाई पर उतर आते। वो जीवन चाचा और पाटिल जी के बीच में नल के बारे में जो झगड़ा हुआ था, भूल गई क्या? अरे तू समझता क्या है अपने आप को? अरे इतने दिन गृहस्थी चलाते आए हैं तो अब पंचायत भी चला लेंगे? हाँ, हमारे बीच में तुम्हारे जैसे पक्ष नहीं है, सब एकजुट से काम करती है हम, समझा? अब तू किसके साथ झगड़ रही है? अरे वो चंदर नाटक मंडली का वो इतना सा लड़का मुझसे कहता है कि औरतें लड़के और अजीब बातें बनाकर मर्दों को कुएं में कूदने पर मजबूर करती है। कहता है कि रामायण की सारी जिम्मेदारी सीता माई और कैकेयी पे है और महाभारत की द्रौपदी पे। अरे जा, अगर वो दोनों पुण्य ग्रंथ उन ऋषि मुनियों की जगह हम औरतें लिखती ना तो ये लड़ाई पे कभी नहीं उतरती। हाँ। अरे जानकी, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। क्यों गंगा भाई? सच। अरे इतनी बड़ी बात तेरे ध्यान में कैसे आई? मेरा नाम जानकी जो है। हाँ। और मैं हमारे इनके जो पल्ले पड़ी हूँ। अरे ये यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं सासू जी, मैं जैतून को बता रही थी कि हिसाब कैसे रखना चाहिए। हाँ, मैंने गलती से मंडली और अपना बाजार एक साथ कर लिया था, इसलिए घोटाला हो गया। अब मैं अपने पैसे और थैले अलग रखा करूंगी। वाजी, ओ, कितना डरा दिया मुझे। अरे वो 30% की क्या बात चल रही है? तेरे को समझ में नहीं आया? नहीं तो वो गज्जू मिल गया था। वो बोल रहा था कि पाटिल जी तेरा नाम ले रहे हैं। बोला वो 30% में तू है। मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब मैंने क्या किया है? इनके कहने पर मेरे पोते को भी मैंने उनके मोटीराम को दिया। अब मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? ये सरकारी चिट्ठी में मेरा नाम आया कैसे? कितनी भोली है रे तू। हाँ। इतनी उम्र होने के बाद भी ना समझ। हाँ। उस दिन अखबार लेके हमने क्या पढ़ा था याद है? मुझे कहाँ याद होगा, तू यार जरा याद दिला देना। मैं तुझे पढ़ी हूँ ना। हाँ। तो मुझे कैसे याद होगा? अब हमें कौन बताएगा और तू उस चिट्ठी में मेरा नाम कैसे? वो मेरी माँ बताएगी। चल 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 चल, डरने की कोई बात। अरे ओ देख, खट्टी चाची जा रही है। खट्टी इधर आ। अरे कहाँ जा रही है ये बुढ़िया बंटन के? हम बुढ़िया और ये जवान औरत। देखो वो 30% की बात याद है तुझे? देखो बुआ जी, ये सरकारी मामला होगा तो बस हा? कान पे हाथ, मुंह पे हाथ और आंख पे हाथ। मैंने कुछ सुना नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं और मैंने कुछ जाना नहीं। इतनी डरने की क्या बात है? हा? फिर हमें बताएगा आपको क्या बात है, क्या पता है? चलो बेरी माँ बताएगी। चलो उसको मालूम। चलो चलो वो बताएगी। चलो डरने की कोई बात नहीं। चलो वो बता देगी हमें कि 30% की बात है क्या। चलो कहाँ से आ रही हैं तीन देवियाँ?
जानकी धीरे धीरे बोल, धीरे ही बोल रही हूँ जानकी। अरे अरे मैं कल यहाँ कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि यहाँ लड़कियाँ थी। क्यों क्या बात है? हम तुम्हें तो पूछने आए हैं, बात क्या है? मेरी तो कुछ नहीं। मेरी भी कुछ नहीं, तेरी भी कुछ नहीं। फिर बात किसकी है? गज्जू की। गज्जू की? हाँ गज्जू की। हाँ ठीक तरह से बोल देना तू। अरे कल गज्जू बोल रहा था पाटिल जी मेरा नाम ले रहे थे। हाँ तेरा नाम क्यों? वही 30% वाली बात। अब मैंने क्या किया है? गंगा मैं कुछ भी हो डरना नहीं। हाँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है सरकारी कागज में इसका नाम गया कैसे? हाँ बुआ अगर मैं तुम तीनों को पागल कहूँ ना तो ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हाँ? लेकिन ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अरे सरकारी कागज में नाम आया है, डरने की बात नहीं है। पर बुआ अगर नाम आए तब ना, ऐसा नाम वाम कुछ नहीं आया है। तो फिर वो गज्जू क्या कहता था? ओहो अरे मैं समझ गई। मर्द लोग सोच रहे होंगे कि 30% में चुनाव में किस औरत को खड़ा किया जाए और उन्होंने तुम्हारा नाम लिया तो अच्छी बात है ना। मगर मेरा ही नाम क्यों, तुम्हारा या खट्टी का क्यों नहीं? हम सब एक है तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। और ये सरकार है कौन? हाँ किसकी खोपड़ी से ये बात निकली? घर का हर कोई अपना अपना बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगा तो खाना बनेगा कैसे? अरे मर्द लोग पंचायत में बैठे और हम घर गृहस्थी संभाले तो उसमें क्या बुराई है? हाँ सदियों से तो यही होता आया है ना। हाँ मगर कितने वक्त मेरे मन में ये बात आती है कि मर्द लोग हमारे सलाह लेके काम करे तो उसमें सारे गांव की भलाई हो सकती है। वही तो बुआ, उस दिन हमने उस किताब में नहीं पढ़ा था कि अंग्रेजों को हमें इस देश से इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि ना तो वो हमें बराबरी का हक देते थे ना ही हमारी कुछ सुनते थे। कैसी बात करती हो? अंग्रेज लोग घर के लोग थोड़े ही थे, वो तो बाहर वाले थे। मेहमान अगर घर में घुसकर मालिक बनने की कोशिश करे ना तो उसे घर से बाहर निकाल देना ही ठीक होगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन घर में भी अगर कोई ये सोचे कि मैं तो घर का मालिक हूँ और बाकी सब काम के हकदार तो हैं लेकिन सोचने के नहीं, तो फिर? तो फिर क्या, घर में भी लड़ाई हो सकती है। वही तो। अब बात थोड़ी थोड़ी मेरे समझ में आने लगी। देहातों में बैठकर हम अनाड़ी औरतों को लगता है कोई भी मर्द हो वो मर्द है इसलिए हमसे होशियार है। मगर हमारे महादेव की प्रोफेसरी की बात लो, वो हमारे पाटिल से भी होशियार होगी, वो क्यों इन मर्दों की सुनेगी? तू प्रोफेसरी की बात कर रही है, जरा हमारी रुक्मिणी की याद करो। हाँ। उसकी फसल देखकर ये मर्द लोग चौंक गए थे। हाँ। और हमारी लक्ष्मी और जैतूनी कह रही थी पाटिल का छोटा लड़का जो बातें जानता है वो बातें क्या इस उम्र में हम समझ भी नहीं सकते। हाँ। बिल्कुल। ये बातें यहाँ आपस में बैठकर करना आसान है मगर क्या पंचायत में बैठकर ये बात कर सकोगी? हमारी बात नहीं, हम नहीं, लेकिन परमेश्वरी लक्ष्मी नानी बहू ये लड़कियां डरने वाली नहीं है। देखो जानकी एक बात सोच लो, बहू बेटियां जब तक डरती है ना तो घर बार बिना आवाज के चलता है। बहुओं ने डरना छोड़ दिया तो तुम्हारी हर गलती पर उंगली उठाएंगी, तेरा जीना हराम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। मेरी मानो घर का बीच का खंभा अगर कमजोर हो जाए तो घर खड़ा नहीं हो सकता। पर बुआ जी पुराण में ये भी तो लिखा है कि सभी गोपालों की उंगलियां लगते ही गोवर्धन पर्वत भी छाता बन गया था। हाँ ये बहुत सुंदर बात बताई तूने, अगर गोवर्धन उठाना है तो हम भी अपनी उंगलियां लगाएंगी, क्यों खट्टी? हाँ मगर मुंह आंखें और कान बंद करके। ये लो सरकार पंचायत मत चुनाव सभा, ठीक है? ये तुमने लिखा है पंचायत,
पैसा टीका लगाने से हो जाएगा पंचायत, और च को ऐसे चू बनाओ, नहीं तो ये हो जाएगा चनाव। दीदी आप तो मुझ पे हंसती होंगी, कितनी आगे निकल गई हो तुम सब, किताबें पढ़ती हो, अखबार पढ़ती हो, और मैं तो अभी तक अवाई रहती हूँ। मेरी समझ में क्यों नहीं आता ये सब? परमेश्वरी दीदी को कैसे जेठ जी की चिट्ठी आती थी, हमने तो अभी तक एक दूसरे को एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। मैं सिखा दूं तुझे चिट्ठी लिखना? ना बाबा, वो जब शहर जा रहे थे तो मैंने कहा था चिट्ठी भेजो, तो बोले जब तक चिट्ठी ना आए तब तक सब कुशल समझो, और बोले औरत की जगह चार दीवारी के अंदर ही होती है, कभी बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। तो मेरा ये पढ़ना लिखना, बेचने के लिए कतरी सीना, ये सब चार दीवारी के बाहर आना है। सासू जी भी कहती है एक बहू पढ़ी लिखी है तेज है तो बस तेरे लिए घर के अंदर रहना ही ठीक होगा। पर दीदी तुम सब जब अखबार पढ़ती हो और मैं जब सुनती हूँ तो लगता है मैं ऐसी गवार क्यों हूँ। द्रुपदा ये अचानक तुझे क्या हो गया? दीदी आज तो मैं ऐसे ही बोल गई, मगर सच बताऊँ हर चीज के बारे में मेरे मन में भी प्रश्न आता है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये किसने बनाया है? क्या मन में ऐसे प्रश्न उठना बुरी बात है? द्रुपदा तेरे सब प्रश्नों के उत्तर तो मेरे पास नहीं है, मगर मैंने उन्हें एक बार प्रश्न पूछा था कि आप नाटक के पीछे इतने पागल क्यों हैं? तब उन्होंने बाल किशन की एक बड़ी सुंदर कहानी मुझे बताई थी। बोले नाटक की मदद से हम ढूंढते रहते हैं। क्या खोजते रहते हैं? यही दुनियादारी, रिश्तेदारी। क्या मतलब? बाल किशन के मुंह में यशोदा मैया ढूंढने गई थी चुराया हुआ मक्खन, तब उसने देखा पूरा विश्व, मालूम है? अच्छा इतने से मुंह में? वही तो, सारा ज्ञान अपने मुंह में छुपाए रखते हैं वो। अगर यशोदा मैया मक्खन के बारे में प्रश्न ना पूछती तो उसे भी विश्व का दर्शन कैसे होता? कुछ समझ में आया? नहीं। ठीक है धीरे धीरे आ जाएगा, मगर एक बात कभी ना भूलना, अगर मन में प्रश्न हो तो ही ज्ञान मिलेगा, अगर प्रश्न ही नहीं तो ज्ञान भी नहीं। नारी बहू, नारी बहू देखो तेरे कैसी चिट्ठी आई है। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ। पागल तो नहीं हो रही? अरे अरे नहीं बाबा, तुम पढ़ो तो। मीता दीदी ने चिट्ठी भेजी है, पूरे देश से औरतें आ रही है, हमारे गांव से भी 3 औरतों को बुलाया है, बस तुम्हें तो जाना ही होगा। नहीं दी तू इस द्रुपदा को लेके जा। दीदी इस बार तुम जाओ, मैं अगली बार जाऊंगी, तब तक तो मैं और भी पढ़ना लिखना सीख लूंगी। अरे इस बार तो तुम दोनों को ही जाना है। हम हमारी सासुओं को भेजें? बस बस, हम सासुओं ने एक मीटिंग कर ली है और उसमें तय हुआ है कि लक्ष्मी बहू, नानी बहू और जैतून भी दिल्ली जाएंगी। अगले महीने राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। मुझे मुरियों का हाथ नहीं लगा। मैं हाथ तो लगाऊंगा। रोक दे मुझे। अरे जा 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 लेके जा। मैं मुर्गिया ले जा। मैं करती हूँ। हाँ जा मेरी मुर्गिया। अरे जा, अरे जा तेरी ये मुर्गिया ले जा, दिल्ली राज करने जा रही है, जा तेरी मुर्गिया, तेरी ये बकरी, तेरी ये भैंस भी ले जा, और ये तेरी बिल्ली भी ले जा। ये कथरी ने पोपे जाती है, सीती है, कहती है मैं कथरी बेचूंगी, रोज जाऊंगी। मैंने बोला हाँ, फिर ये कहती है कि मैं रोज पढ़ने लिखने जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। अब ये कहती है मैं सामान बेचने जाऊंगी सासवड़ के बाजार में। मैंने बोला ठीक है। अब ये बोलने लगी है कि मैं दिल्ली जाऊंगी। तू तो हमारी नाव कटरानी पतूली है, जब से तेरे कदम चौखट के बाहर पड़े हैं ना, तू मनमानी करने लगी है। बढ़िया आई है, बक 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 करके जा, सब तेरे ले जा। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो मुझे दिने ताने दे रही है? जब से मैं आपके घर में आई हूँ आप ही ने मेरे कदम चौखट से बाहर ढकेला है। बकरी चराना, गाय चराना, गोबर लाना, लकड़ी लाना, इन सब चीजों के लिए मैं चौखट से बाहर ना निकलूं तो आप खाएंगे क्या? मेरा खाना निकाल रही है? मैं किसी का खाना वाना नहीं निकाल रही, मैं सिर्फ हालात की याद दिला रही हूँ। मैं जानती हूँ। जानती थी तमाशा क्यों खड़ा किया है? बोली ना मैंने किया क्या है?
तू अपनी मनमानी कर रही है। क्या मैं कुछ ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ? आपके बेटे ने मुझे छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, फिर भी मैंने आप दोनों को अपनी अम्मी और अब्बा की जगह माना, इतने कष्ट उठाए, फिर भी आप मुझे कोस रही है। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? बोलिए बोलिए, मैंने ऐसा किया क्या है? अम्मी जान, थोड़ा चावल खा लो। नहीं चाहिए, तुम हम पर इतना रहम कर रही हो और फिर भी हम लोग। अम्मी जान, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरी माँ है। अब कितने बरसों से अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं है और खुद को अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं समझती हैं। अब पेट है तो भूख तो रहेगी ही, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या, औरत के सामने दो ही रास्ते हैं कि एक तो मर्द की कमाई पर रहे या फिर अपनी खुशियां समेट कर मरते नहीं इसलिए जिंदा रहे। अम्मी जान, मैं बदली नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से पूरी दुनिया खुल गई है मेरे सामने। आप क्या समझती हैं मैं बदल गई हूँ? अम्मी जान, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरी पढ़ाई लिखाई करने से अगर मैं अपना फर्ज भूल गई तो फिर मेरी सहकारी समिति से या फिर मेरी पढ़ाई से मैं क्या सीखी? इसलिए अम्मी जान, आप मुझे रोकिए मत, देखने दीजिए दुनिया। जा बेटी जा, जरूर जा, हम यहाँ तेरी राह देखते रहेंगे। अम्मी जान, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। एक दूजे की हम सहकारी, मुश्किल है ये जिम्मेवारी, आपस में कर लड़ते रहेंगे, भोले बुद्धू कहलाएंगे। सहकारी धन का विनियोग, लोकतंत्र का एक प्रयोग, दिल्ली ने है हमें बुलाया, हम देखेंगे शर्ता की ये किमिया। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, मेरी जिंदगी भैंस बराबर, भैंस बराबर, अकस मेरी भैंस बराबर, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर।